दोस्तों, आपने सनी देओल सर का ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। दोस्तों, इसे डायलॉग समझने की भूल न करें, क्योंकि बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से में 75 करोड़ रुपए आए थे। भारत ने 20 करोड़ रुपए पहले दे दिए थे और बाद में 55 करोड़ रुपए देने थे। पाकिस्तान ने 20 करोड़ रुपए टेंट हाउस के लिए लिए थे, लेकिन उसने हथियार खरीदे और कश्मीर पर हमला कर दिया। भारत ने बाकी के पैसे 55 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया और देने पर रोक लगा दी। लेकिन 13 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी दो मांगों को लेकर अपनी भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसमें पहली मांग थी कि पाकिस्तानियों को भारत 55 करोड़ रुपए दिए जाएं, दूसरी थी दिल्ली में मुसलमानों पर होने वाले हमले रोकें। गांधी की भूख हड़ताल के तीसरे दिन भारत सरकार ने घोषणा की वो पाकिस्तान को तत्काल 55 करोड़ रुपए देगी। इस वजह से उग्र हिंदुओं की नज़र में गांधी एक विलन बन चुके थे। इस घटना के बाद गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।